सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सूरज स्वागत करता हूँ आपका मिस्टर ब्राइट चैनल में। एंड गाइस, बताने वाले हैं कल के इंटर डे के लिए। तो फर्स्ट स्टॉक हमारे पास होगा बंधन बैंक का, और करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो इसकी यहाँ पे 345 चल रहा है, और आपको जो है लास्ट ट्रेडिंग डे में 3 पॉइंट्स का अप देखने को मिला। तो गाइस, मैं ये शेयर आपको क्यों बता रहा हूँ, और टॉप गेनर में भी ये था, सिर्फ और सिर्फ 0% में ही टॉप गेनर देखा गया था। बट ये शेयर मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि गैस इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी गैस 2000 पॉइंट्स गिरा है बैंक निफ्टी, बट यहाँ पे बंधन बैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, और यहाँ पे बंधन बैंक ने 3 पॉइंट्स का अप दिखाया। तो मेरे को लगता है कल ये बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है, आप लोगों को इंट्राडे में बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही आप लोग खरीद लीजिएगा। सो एक और प्रोबेबिलिटी है कि अगर जो है निफ्टी यहाँ पे 14,500 का आंकड़ा तोड़ देता है, मतलब नीचे की साइड और चले जाता है, तो यहाँ पे पैनिक जोन क्रिएट हो जाएगा, और तब जो है कोई भी इंट्राडे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मतलब कोई भी जो मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ वो बिल्कुल फिर ट्रेड ही मत करना उस दिन, ठीक है? इंट्राडे तो बिल्कुल ही मत करना, या फिर करोगे तो फिर सेलिंग करना, क्योंकि वहाँ पे पैनिक जोन स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे टारगेट 1 इसका हम लोग ले रहे हैं। अगर जो है इसके ऊपर सस्टेन हुआ और मार्केट थोड़ी भी रिकवरी दिखाया तो बंधन बैंक आपको टॉप गेनर में फिर से दिखाई देगा, ठीक है? तो टारगेट 1 की बात करें तो 349 है। सेकंड टारगेट इसका हम लोग 354 लेके चलेंगे। एंड यहाँ पे जो है एसएल की बात करें तो एसएल मैंने चेंज नहीं किया, तो एसएल जो है आप लोग यहाँ पे 340 का ले सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट शेयर मैंने आपको दिया है इंट्राडे के लिए वो बंधन बैंक होगा। सो सबसे पहले इसे प्रायोरिटी दीजिएगा, एंड काफी शानदार आप लोगों के लिए कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट शेयर हम लोग आपको बताएं तो नेक्स्ट शेयर है आपके पास एसबीआई कार्ड, ठीक है? तो एसबीआई कार्ड का आपके पास शेयर है, एंड इंट्राडे के लिए ये आपको मेरे को लगता है काफी बेनिफिशियल ये भी हो सकता है। एंड इसके टारगेट्स वगैरह नहीं दूंगा, सिर्फ एक ही टारगेट्स। अब से डेली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब इंट्राडे के आपको 5 स्टॉक दूंगा, उनमें से एक का सिर्फ जिससे नंबर 1 प्रायोरिटी दूंगा उसकी जो है यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। बाकी डिटेल्स आपको प्राइम जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे टारगेट्स वगैरह सब मिल जाएंगे सारे शेयर्स के, ठीक है? 5 शेयर्स के, बट एक के यहाँ पे दूंगा, और ये सभी के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को लगता है गाइस, यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट मेरे को लगता है जब भी मिले तब ले लो। अगर जो है 15,000, माफ कीजिए, निफ्टी का जो है लेवल ब्रेक नहीं होता है जो मैंने लेवल बताया आपको, तो यहाँ पे जो है शेयर्स अच्छा करने वाले हैं, ठीक है? तो सेकंड हमारे पास शेयर है एसबीआई कार्ड का। तो थर्ड शेयर हम लोग यूपीएल का लेंगे। यूपीएल भी मेरे को काफी पॉजिटिव लग रहा है, काफी शानदार लग रहा है। एक थोड़ा सा डाउन फेज आया, लेकिन मेरे को लगता है ये जो है कमबैक करेगा और रिकवरी करेगा और जोरों से करेगा, ठीक है? तो यूपीएल का भी काफी शानदार शेयर है, यहाँ पे कुछ डिलीवरी क्वांटिटीज भी उठाई गई है, तो मेरे को लगता है यूपीएल भी आपके लिए अच्छा कर सकता है, ठीक है? और चौथा हमारे पास स्टॉक होगा वो होगा हमारे पास टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को कैसे छोड़ सकते हैं गाइस? तो एक डोजी कैंडल की तरह इसने यहाँ पे बनाया है, देखिए, और अच्छा फिनिश किया है। मतलब जिस हिसाब से जो है ये शेयर डाउन गया था 318 के करीबन, तो उसके बाद जो है रिकवरी देखने को मिली, तो मेरे को लगता है इंट्राडे में कल ये भी आप लोगों के लिए आग लगा सकता है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो अगर जो है यहाँ पे निफ्टी 14,500 के ऊपर सस्टेन होता है, तो इनमें से जो है 3 स्टॉक्स पकड़ लीजिएगा, उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट डिवाइड कीजिएगा। एंड जितना भी इन्वेस्ट है, सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी बंधन बैंक को दीजिएगा, देन एसबीआई कार्ड को, एंड देन टाटा मोटर्स को, ठीक है? तो हमारे पास जो नेक्स्ट शेयर है वो यहाँ पे विप्रो होगा। तो विप्रो जो है यहाँ पे मेरे को लगता है विप्रो भी काफी पॉजिटिव कल देखने को मिल सकता है, इफ मार्केट जो है पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे जो है मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन फेस ज्यादा आ गया कल, एंड बिकवाली का काफी दबाव था, तो इस शेयर को आप लोग लास्ट में कंसीडर कीजिएगा। लास्ट टाइम में भी मार्केट डेप देखे तो इसमें 7,000 के करीब क्वांटिटी सेल हुई है, लेकिन मेरे को लगता है कि गाइस है पोटेंशियल है कि यहाँ पे जो है कल रिकवरी और अच्छे से रिकवरी यहाँ पे करते हुए दिख सकता है विप्रो का शेयर, ठीक है? तो ये 5 शेयर हैं इंट्राडे के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला है डेली आपको 9 बजे, आज से आप लोग 9 बजे यहाँ पे आ जाइएगा डेली हमारे चैनल में, और हमारे चैनल में आपको इंट्राडे की कॉल्स डेली मिल जाएगी 9 बजे रात को, ठीक है? सो आई होप आप लोग समझ गए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इंट्राडे करते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है जो कि सिर्फ 500 मंथली में आपको फुल एनालिसिस करके देगा,
कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मैं जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। इंट्राडे की टिप्स दूंगा डेली, वो भी एक दिन पहले, मतलब आज जैसे ट्रेडिंग डे है तो उससे एक दिन पहले आपको आपके स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और 1 वीक के लिए भी, मतलब थर्सडे को शाम को मैं आपको 5 स्टॉक्स दूंगा 1 वीक के लिए, जो कि आपको टारगेट के साथ, एसएल के साथ मिलेंगे। एंड अगर जो है यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो इंट्राडे प्रिफर नहीं करते हैं, जो मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि काम रहता है उनका, या फिर कुछ भी कारण हो जिस वजह से इंट्राडे में इतना मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं, तो मैं आपको वीकली जो शेयर्स हैं वो दे दूंगा। तो कई न्यू लोग भी जुड़े हैं कोरोना काल में जिनको ट्रेडिंग के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, तो वो हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं एंड हम जो है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ेंगे, ये आपकी स्क्रीन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। Wow.